वेलकम गाइस, मैं हूं तस्कीर। इस वीडियो के अंदर मैं देखने वाला हूं बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन ऑफ इंडियन मीडिया, बिफोर एंड आफ्टर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल। ओके, देखते हैं पहले इंडियन मीडिया ने क्या बोला था और बाद में क्या बोला था। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, बाकी बाद में करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तीन गुना लगा नहीं तो आज नहीं, आज पांच गुना लगा निकाला जाएगा। कहाँ? एडिलेड में आज इंडिया और इंग्लैंड जब होंगे आमने सामने सेमीफाइनल टू में, तब यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कि आज लगान वसूलने की बारी है और उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। और कुणाल सर, ये जोश हम यहां तो दिखा रहे हैं, टीम में भी इतना ही जोश होगा क्योंकि एक तो आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं, इंग्लैंड के साथ खेल रहे हैं जो ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले माना जा रहा था कि फेवरेट्स है, उनके साथ आप खेल रहे, एक बड़ी टीम के साथ खेल रहे, और दूसरा आपके दिमाग में ये भी आपको मालूम है कि पाकिस्तान पहुंच चुका है फाइनल में, हमको पहुंचना है कैसे भी। नहीं, आई डोंट थिंक वो पाकिस्तान के बारे में अभी टीम सोच रही है, अंदर ही अंदर चलता है अभी। देखिए, अब बिकॉज आज का मैच सबसे ज्यादा जरूरी है, यू नो मोटिवेटेड, यू नो द पॉजिटिविटी, आप जितना आप अच्छी बात कर सकते हैं, यू नो इवन इन द कल जो टीम मैनेजमेंट की मीटिंग होगी, यू नो आप जो भी पॉजिटिव लेंगे। देखिए, दूसरी बात ये भी है राशि कि यू नो आपको ये ग्राउंड फेवर करता है, आपको यहाँ आपका रिजल्ट अच्छा है, आपका रिकॉर्ड अच्छा है टीम का। तो जैसे हम पहले भी हमने बात करी है कहीं शोज में कि यू नो आप कहीं ग्राउंड पे उतरते हैं एज अ टीम, आपको लगता है यू नो वी फील एट होम, तो वो वाला यू नो थोड़ा सा है। बट देखिए, दूसरा दूसरी तरफ इंग्लैंड से भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज वो एक बहुत अच्छी साइड है। एंड यू नो जैसे हमने मैं बोलता हूँ कि अभी दोनों टीमों ने अपनी ए गेम नहीं खेली है, तो अगर आज वो दोनों टीमें ए गेम खेलेंगी तो मुकाबला बहुत तगड़ा होने वाला है। अच्छा, टीम इंडिया के साथ आज इंडिया का तो सपोर्ट रहेगा ही, इंडियन फैंस का, ऑस्ट्रेलिया से जो वहाँ के लोकल फैंस हैं उनका भी सपोर्ट आज इंडिया के साथ रहेगा क्योंकि उनकी भी इंग्लैंड के साथ वही है जो हमारे पाकिस्तान के साथ है, तो आज वो सपोर्ट भी वहाँ पर होगा। और माहौल वहाँ पर क्या बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, वो विक्रांत सर के पास आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि उनके साथ जो फैंस है उनमें वो कैसा जोश और किस टाइप की एनर्जी है। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आज क्या हो रहा है, संडे वाला जो फॉर्मूला लगाता है यहाँ पे सबको कि आज संडे है तो शायद रोहित शर्मा का दिन ना हो, लेकिन आज संडे भी नहीं है तो ये अच्छी चीज है। और वाकई रोहित शर्मा से आज रन तो चाहिए, बड़ी पारी चाहिए, अच्छी शुरुआत चाहिए। और जैसे कल हमने देखा पाकिस्तान के बाबर आजम ने या रिजवान ने किया उनका भी। सलाम अलैकुम दोस्तों, आपने इनका एनालिसिस सुना, ये मैच से पहले का था, बड़ी तालियां बजाकर ये पाकिस्तान को हराने की बात करते थे। इन्हें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ आपका कंपैरिजन कभी हो ही नहीं सकता, आपकी टीम का कंपैरिजन होना चाहिए कांगो के साथ या फिर युगंडा की टीम के साथ। पाकिस्तान टीम एक वर्ल्ड क्लास टीम है, उसका नाम लेते हुए पहले अदब से खड़े हो जाया करें। और दूसरी बात, जैसे आज आपको इंग्लैंड ने पहला है दोस्तों, मैं तो उम्मीद ही नहीं कर रहा था कि 10 विकेटों से भी हार सकते हैं, लेकिन ये इनका रिएक्शन था, प्री रिएक्शन दोस्तों आपको इनका बात का रिएक्शन दिखाते हैं। ये जो पाकिस्तान पर हंस रहा था साउथ अफ्रीका वाले मैच में, कह रहा था कि साउथ अफ्रीका तो आपको आपकी सुबह चाय की प्याली और उम्मीदें खत्म। चाय की प्याली हमारे हाथ में थी और उम्मीद भी हमारे हाथ में थी, आधा सेमीफाइनल तो हमारे हाथ में आ गया था, आधा बांग्लादेश को हराने के बाद पूरा हो गया। हमने हमेशा बड़ी बातें नहीं की है, लेकिन दोस्तों ये हमेशा बड़ी बातें करते हैं और मुंह की खाते हैं। आज कैसा लग रहा था, गली मोहल्ले की टीम अगर खिला लेते तो यकीन माने एक विकेट वो भी ले लेती, एक कैच कर लेती किसी न किसी तरह, लेकिन ने खिलाई दुनिया की वर्ल्ड क्लास टीम। और आपको बता दूं दोस्तों, रोहित शर्मा की अब हालत इतनी खराब हो गई है कि वो मैदान में रो रहे हैं, वो हमें देखकर बुरा लग रहा है दोस्तों। दूसरा आपको बता दूं कि आपके इस चैनल पर 80% जो लोग आते हैं वो हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बल्कि वो आकर देखकर चले जाते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, ये आपका अपना चैनल है, इसे ग्रो करें, शुक्रिया। आपको सुनाते हैं कि मैच के बाद के क्या हालात थे। उनके ऊपर के दो नहीं खत्म कर दिया, क्या बताऊं यार इस बॉलिंग पे, बताओ बॉलिंग पे तो चलो ठीक है, आप कम से कम जो सामने वाले हमारे जो दो टॉप टू हैं, कम से कम उन्होंने जब इन दोनों को बैटिंग करते देखा होगा, बटलर को एलेक्स हेल्स को, तो क्या वो आपस में नहीं, उन्होंने ये कहा होगा कि पहले तीन ओवर अनुज, पहले तीन ओवर आप वहां हालात जांचो, एडिलेड का मौसम कैसा है, एडिलेड में बारिश कल हुई थी कि नहीं हुई थी, फिर रन बनाएंगे। तब तक तीन ओवर में बटलर हेल्स रन बना देते हैं इतने की सामने वाली टीम सोचती है। आज क्या हुआ, आपने पहला पावर प्ले गवाया बैटिंग का, आपने दूसरा पावर प्ले गवाया बॉलिंग का, आपको समझ में नहीं आया। अर्षदीप जो आज सबसे बेहतर बॉलिंग लग रहे थे, बॉलर एक ओवर के बाद
हार्दिक पांड्या ने स्पेशली एंड में वो बैटिंग कर दी कि आपको वो 140 से 169 तक ले गए, लेकिन आपकी 60% 70% जो बैटिंग होती है हर मैच में वो 140 वाली होती है। कभी सूर्य कुमार यादव पिछले 4 ओवर में आके यार 70 लगा दो, कभी हार्दिक पांड्या यार लास्ट 4 ओवर में 70 रन लगा दो, एक मैच में विराट ने 3 में 50 लगा दिया। हर मैच में आप ऐसे नहीं खेल सकते। आई थिंक ये आपका जो टेम्पलेट है T20 का, ये एक साल पहले ठीक आज ही के दिन शायद मैंने कहा था जब दुबई में आ रहे थे कि इस टेम्पलेट को बदलने की जरूरत है। आपने टेम्पलेट कैसे बदलना है, आपको कभी कभी एक नई सोच लेकर आनी पड़ती है। आप आज आए हैं वर्ल्ड कप खेलने उन्हीं खिलाड़ियों के साथ आए, जब वही खिलाड़ी वही सोच वही टेम्पलेट आपको पिछले साल वर्ल्ड कप नहीं दिला पाई, तो आप क्यों उम्मीद करते हैं कि इस बार वही खिलाड़ी वही टेम्पलेट वही सोच आपको वर्ल्ड कप दिला देगा। हाँ उम्मीद थी, ऐसा नहीं है। आज आपका जब मैच शुरू हुआ था 50-50 का, इंग्लैंड बड़ी टीम है, इंग्लैंड T20 अच्छा खेलता है, इंग्लैंड ने अभी तक इस वर्ल्ड कप में उस तरह की क्रिकेट नहीं खेली थी गौरव जिस वो खेलते हैं आज, लेकिन उन्होंने प्रोड्यूस कर दी है। जैसे मैंने कहा था डेट बैटर द डेट बैटर भारत रिजवान ने रन बना दिए ना, द डेट बैटर रोहित शर्मा का रन नहीं है, द डेट बैटर आपकी बैटिंग दब दब के खेली। और कहीं ना कहीं आपको ये मानना होगा कि अब जब आप बड़े, मानना क्या होगा, ये तो एक्सेप्टेड ही है ना कि जब आपका बड़ा दिन आता है, एक नॉकआउट गेम आता है, एक ऐसा मैच आ जाता है कि जी अब ना हमें फाइनल में जाना है, अब ये मैच जीतना ही जीतना है, उस दिन आपकी बैटिंग ही आपको लेट डाउन करती है। बिल्कुल, आप बताइए कब ऐसा था आखिरी बार, फर्स्ट 10 ओवर्स, एक सेकंड, आप ज्यादा जोश में हो यार, बिल्कुल पहले पहले 10 ओवर जो खेले ना इन्होंने, दे शुड हैव, वी हैव टू चेंज अवर ओपनर्स, आई नो देयर इज अ बिग नेम रोहित शर्मा व्हाटएवर, दे हैव टू चेंज, दे हैव टू इंप्रोवाइज मोर इन T20, देयर इज नो ओडीआई गेम, देयर इज नो टेस्ट क्रिकेट, दे हैव टू, चलो आप बताओगे हालात बताओगे, अमेरिका से आ रहे हैं, मुझे एक बात बताइए क्या हमारे, एक सेकंड, आराम आराम से सबसे बात करें। ये सब वो फैंस हैं जो अंदर गए थे शाम को और ये कह रहे थे इंडिया पाकिस्तान को हराएगा फाइनल में, मैंने कहा भाई सेमीफाइनल का क्या होगा, वो तो जीत गए जी, तो ये आप लोगों की भी हार है, तो फिर आपने फाइनल कैसे जीत लेना था, आपने पहले ही खेला शुरू कर दिया सबने, बिल्कुल फाइनल जीत गए जी, जीत गए जी, जीत गए, बिल्कुल भाई कैसे इस दफा हमारे बेटर इंडिया से आए, अरे इस दफा हमारे बेटर हाफ को लेकर आए, वो हमारा लक बेटर लक नहीं बन रहा, कुछ कह रहे थे आप, पूछिए जी आप कुछ पूछना चाहते थे, देखिए फैंस का भी वहां पर गुस्सा निकल रहा है, KL राहुल का नाम बहुत बड़ी बातें, बहुत बहुत अजीब तरह की बातें कर दी थी शुरू में कि हम तो पहुंच गए हैं पाकिस्तान से लड़ेंगे, ये सिचुएशन होती है, लेकिन कुछ लोग सेंसिबल भी थे इसके अंदर, जैसे कि एक बंदा बैठा हुआ था वो कह रहा था नहीं फाइनल अभी छोड़ो, अभी तो देखना है कि इंग्लैंड से क्या होना है, किस तरीके से होना है, सो वो सारी सिचुएशन देखनी है। सो कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें भी मार रहे थे कि यार ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, हम तो पहुँचे हुए हैं, इंग्लैंड को तो हराए हुआ है हमने, लेकिन बाद में क्या चेंज हुआ, जब मैच हो गया तो ये चेंज आया कि उनकी बोली बदली कि ये कौन सा फॉर्मेट का गेम खेला है इन्होंने, मतलब इंग्लैंड ने इतने ज़्यादा मारे, दोनों पावर प्ले बॉलिंग का बैटिंग का दोनों फेल हो गए, इतने ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन इंग्लैंड ने सिर्फ एक बिना विकेट गवाए एंड तक लेकर गए, एंड उसके बाद पब्लिक जो स्टेडियम के बाहर निकली उनका रिएक्शन देखा हमने, तो वो भी बौखलाई हुई है कि KL राहुल को निकालो, ये टीम को बदलो, T20 फॉर्मेट के प्लेयर्स लेकर आओ, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन नहीं काम उनके इतने बड़े नहीं दिखाई दिए ना पड़ेगा। कुछ लोग जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, मैडम जो बोल रही थी इसके अंदर बैठी हुई, वो भी कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन अच्छी है, सही है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कुछ ज़्यादा हो जाता है कि यार उससे लड़ेंगे हम, पाकिस्तान बैठा है हमें तो कैसे भी जाना ही है, और ये सारी चीज़ें, मतलब फाइनल का सोच लिया कि फाइनल में क्या होगा, इंग्लैंड का मैच है उसकी तैयारी कौन करेगा, उसकी तैयारी भी तो करनी थी यार। इसमें जो विक्रांत गुप्ता हैं उनका जो हमने देखा वो अनबाइज्ड कॉमेंट्री अनबाइज्ड एनालिसिस करते हैं, उनको पता है कि
ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने से कुछ नहीं होगा। जो पब्लिक कह रही थी कि हम तो पहुँचे हुए हैं, उनको भी उन्होंने सुना दिया कि यार तुम लोग तो कह रहे थे हम पहुँच गए फाइनल में, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का क्या होगा, तो अब क्या बोल रहे हो। सो वही चीज़ें लॉर्ड फेयर का सामने आ जाती हैं जब आप ओवर हो जाते हो। तो विक्रांत गुप्ता का मुझे बहुत सही लगता है, एनालिसिस सही लगता है कि वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, कुछ हद से ज़्यादा बात नहीं करते कि यार हमें यह है वो है। वो रिकॉर्ड को देखते हैं, टीम को देखते हैं कि कौन सी टीम का कब कुछ भी कर सकती है, तो वो सारी चीज़ें उनके भी ध्यान में रहती हैं। तो उनके उनकी रिपोर्टिंग बढ़िया लगती है मुझे। बताओ कैसा लगा ये वीडियो, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। फाइनल के लिए कितने तैयार हो वो भी बता देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।